नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जो कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा परिचय तो ये है कि वो बांसुरी वादक हैं बहुत कमाल के बांसुरी वादक हैं लेकिन ये तो बड़ा परिचय हुआ इस परिचय के अंदर जैसे हम परीक्षा में एक हेडिंग के अंदर बहुत सारी सब हेडिंग लिखते थे तो वैसे इनके परिचय की बहुत सारी सब हेडिंग्स भी हैं जो इस इंटरव्यू में निकल कर आएंगी और जब हम बातचीत करेंगे तो लेकिन परंपरा यह कहती है कि सबसे पहले अश्विन जी का स्वागत किया जाए अश्विन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके प्लेटफॉर्म में आपका भी धन्यवाद करता हूं और बाकी सारे सभी प्रेक्षकों का उनको नमस्ते करता हूं अश्विन जो पृष्ठभूमि है परिवार की और परिवार में जिस तरह से संगीत के संस्कार रहे हैं मतलब पंडित रविशंकर जी की जो थॉट प्रोसेस है उससे आपकी माता जी का सितार वादन रहा हो उसमें आ, आप जब छोटे थे तो ये जो सीखने की शुरुआत थी उसके दो विकल्प क्या थे पहला विकल्प ये था कि माँ ने हाथ पकड़ा और कहा बेटा बैठ जाओ सीखना है या दूसरा आपने माँ के पास जाकर कहा कि माँ प्लीज मुझे सिखाना शुरू कर दो मुझे भी ये जो आप बजाते हो ये संगीत बहुत अच्छा लगता है कौन सा विकल्प ज्यादा सही है बल्कि दूसरा और उसमें भी मुझे कहना नहीं पड़ा जब मैं कहने के काबिल हुआ उसके पहले ही आई थिंक शुरुआत तो मेरे नाना जी ने इस बात को बहुत ध्यान से बताया कि माँ जब मैं कोक में था तभी वो रियाज जारी रखें ताकि उसका मुझे साउंड मुझे सुनता सुनाई दे और आई थिंक छः छः सात महीने की उम्र में जब बच्चे पलटते हैं तो उस समय बल्कि वैसे भी रेडियो और एल पी डिस्क तो चलते ही थे घर पे तो उससे अपेरेंटली माँ ने मुझे बताया मुझे नहीं मालूम कि मैं उससे सुर मिलाते हुए मैं आवाज लगाता था आ, आ, तो वो खास करके वो इमामी का एक जिंगल था इमामी तो मैं आ करके गाता था ऐसे माँ बोलती थी शायद ये सच भी है आ, पर तभी से रुचि संगीत में मेरे अंदर संगीत में रुचि उन्होंने देखा और दोनों ही माँ और पिताजी दोनों ने ही दोनों ही संगीतमय हैं माँ तो प्रोफेशनली थी ही पर पिताजी भी बहुत नेचुरल म्यूजिक उनके फैमिली में मेरे दादाजी के बड़े भाई पंडित पंडित ने विद्वान अन्ना स्वामी बागवतर दक्षिण भारत के बहुत बड़े हरि कथा आ, के एक्सपोनेंट थे और शुरुआत हिंदुस्तान के पहले कुछ पद्मश्रीयों में से उनका नाम आता है तो घर पे तो संगीत था और पिताजी नेचुरली वो भी म्यूजिकल थे तो वो माहौल कभी मुझे नया नहीं लगा तो मैं कहूंगा कि इसे इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया मुझे मैं उसी के अंदर तैरते हुए निकला हूं ऐसे मुझे लगता है बिल्कुल और आ, मतलब इसको कहना चाहिए कि ये बहुत आ, खुश नसीबी है आपकी सौभाग्य है आपका और आप जब आ, जब बड़ा कोई कलाकार आके पीठ थपथपाता होगा और आ, कुछ सुनने के बाद वाह करता होगा आशीर्वाद देता होगा तो मुझे लगता है कि उसकी जो जड़ है वो उस उस कोख में ही है जहां से आपको वो संगीत अप्रत्यक्ष रूप से आप तक जा रहा था लेकिन अश्विन मुझे ये बताइए कि आ, संगीत तो हो गया माँ भी सिखा रही है या माँ ने भी समझ लिया कि संगीत सीखेगा पिताजी का भी सपोर्ट रहा तो ये जो बचपन की बदमाश मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और ये मैं इसलिए पूछता हूं ताकि जो हमारे घर के बच्चे सामान्य घरों के बच्चे हैं जिनमें संगीत परंपरागत नहीं है वो भी कम से कम ये समझे कि सीखा जा सकता है मतलब बदमाशी करने वाले बच्चे भी सीख सकते हैं तो आप बदमाशी बदमाशी बचपन में कर पाते थे या बिल्कुल सिर्फ संगीत में ही रह गए मैंने बदमाशी अगर कहूं तो आ, वैसे खास तो नहीं करा मैंने मैं बहुत सीधा था अब बल्कि बदमाश हो गया हूं मैं पर वो तो दुनिया ने बना दिया मुझे एक, उसके क्या कहते हैं anyway, एनीवे so, सो पिताजी जब आई वाज आई थिंक पांच चार पांच साल का था तब आ, हमारे यहाँ परंपरा है इधर शबरीमाला जाने की यात्रा तीर्थ यात्रा करने की तो वो वहां जाके उसके दौरान तीस दिन यू नो आदमी को सेलिब्रेट रहना पड़ता है और भजन करना पड़ता है और उनके ग्रुप में वो फिपल फ्लूट कहते हैं हमें हमारे यहाँ तो ऐसी जो बस्ती है फ्लूट तो वो एक उठा लिया है और पिताजी तो नेचुरल थे ही वो मोहतार्गन बहुत अच्छी बजाते हैं और हारमोनियम बचपन में उनके घर पे जब पड़ी थी तो उन्होंने उसको उठा के नेचुरली करना सीखा तो वो बजाते थे और शर्ज का पोजीशन जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली अभी हम पंचम के पोजीशन से बजाते हैं उस पोजीशन से उन्होंने शर्ज माना उनके कान को जो ठीक लगा बिलावल ठाट मिलता है उसमें से तो उन्होंने लगा कि ये सर रे का मापा नहीं सर तो भजन उनका हो गया वापस भी आ गया और वो मुझे दे दिया कि तुम्हारे लिए खिलौना है अब उसको मैंने भी नेचुरली अपना लिया सितार तब जारी था मेरा पर मां डांटती थी तो मैं उनके डांट के सुरावट को मैं मिमिक्री करता था बांस अभी से आप बदमाशी कह लीजिए <laughs> ये ये, ये म्यूजिकल बदमाशी है हाँ तो वही कर पहले तो चिढ़ती थी बाद में हंसने लगती थी फिर उनको ये भी लगा कि यार ये तो सुर का पक्का है उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि शुद्ध स्वरी लग रहे हैं या स्केल के ही स्वर लग रहे हैं वो इन बिटवीन जो श्रुतियां लगती हैं तर र र र र र मैं उन्हीं को बजा लेता था रर 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 ऐसे ये चलता था तो आई सबकॉन्शियसली मैंने डिस्कवर किया कि ये तो पूरा ही मींड हो सकता है इसमें सो so, वैसे भी हुआ है बदमाशी की बदमाशी की बात अगर करें तो जो सब्सक्राइबर्स थोड़ा म्यूजिक के ग्रामर को कम समझते हैं उनको अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो अश्विन ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मां ने डांटते हुए क्या डांटते हुए कहा कि क्या बदमाशी कर रहे हो तुम्हें तमीज नहीं रहा, है रहा, 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 रहा। तो उन्होंने उसको भी म्यूजिक में बांसुरी में बजा कर दिखाया जो निश्चित तौर पर शुरुआत में किसी भी माँ को झुंझलाहट ही देगा लेकिन फिर जब उन्हें ये समझ में आया कि ये ये डांट को भी संगीत में ले जा रहे हैं तो उन्होंने निश्चित तौर पर उनको भी हंसी आई और फिर वो लाड़ प्यार तो हुआ ही होगा स्कूल में कभी स्कूल में कभी इस बात का फायदा मिला कि म्यूजिकल फैमिली से है बच्चा अच्छा बजाता है इसको जरा पढ़ाई के लिए प्रेशर कम डालो थोड़ा अगर पढ़ने में पांच दस नंबर एक्स्ट्रा भी देने तो दे दो कभी हुआ वो है तो नहीं किया वो तो नहीं किया पर उन्होंने दुश्मनी बहुत हो गई थी कि मैं टीचर्स पेट था मैं स्कूल कैप्टन रहा हूँ स्कूल परफेक्ट रहा हूँ हाउस कैप्टन रहा हूँ तो मुझे वो लीडरशिप के लाइन में बहुत मुझे धकेला गया बल्कि मैं आई वॉज नेचुरल टू इट और स्टेज uh, प्रोग्राम्स में भी साउंड सेट करने से ले एक तरफ हारमोनियम एक ही गाने में हारमोनियम पार्ट बजाते हुए फिर फ्लूट का अपना पार्ट बजा के तबला भी बजाता था कॉन्ंगज बजाता था तो कि इंटरेस्ट बहुत थी मुझे और साउंड सेट करना बैलेंस सेट करना फीडबैक कैसे अवॉइड करना ये सब स्कूल में देख देख के सीख के उस चीज़ को वहीं से करने लग गया था तो आई वाज टीचर्स पेट प्रिंसिपल ने यहाँ तक बताया कि टेंथ हमारे मैं जिस स्कूल uh, में पढ़ता था टेंथ मैंने जहाँ से किया था वहां पर सिर्फ साइंस स्ट्रीम थी इलेवेंथ और ट्वेल्थ में और मैंने बहुत स्ट्रांगली कॉमर्स चूज किया था तो मैं स्कूल शिफ्ट किया मैं केवी प्रोडक्ट हूँ केंद्रीय विद्यालय का हूँ तो ट्रांसफर इजली हो गया पर प्रिंसिपल मेरे घर आके उस दिन मैं छत पे जाके छुप गया प्रिंसिपल की स्कूटर देखी सर की स्कूटर देखी तो मैं छुप गया तो मैडम हमारी प्रिंसिपल थी तो वो पिताजी से पौना एक घंटा बात करके गई कि इसको बोलिए कि साइंस स्ट्रीम इतना होनहार बच्चा है तो प्लस हमारे स्कूल के लिए एसेट है तो ये यू नो इट्स अ लॉस फॉर अस कि उसे बताइए कि वो यहीं कंटिन्यू करें तो पिताजी ने बोला तो वो तो अपने मर्जी का मालिक है वो मेरी नहीं सुनता आपकी भी नहीं सुनेगा उसको अगर कॉमर्स uh, ही uh, करना है तो फिर उसे मैं नहीं रोक पाऊंगा बट आपका बहुत धन्यवाद आप आए और मैं ऊपर से छत से देख रहा हूँ कि उनकी स्कूटर कब गई और फिर मैं नीचे कब आऊंगा सो ये हुआ था सो यस आई आई मेड अ एनिमीज uh, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे जलने लग गए थे और मैं डरपोक भी था बहुत बचपन में तो वो चीज शायद उस चीज का अब उल्टा असर पड़ गया है कि मेरे अंदर से डर निकल गया जब मैं बॉम्बे आया 99 में डर मेरे अंदर से निकल गया और उसका मेरे म्यूजिकलिटी पे बहुत पॉजिटिव असर गिरा कि मैं किसी भी चीज को ट्राई करने से मैं संकोच नहीं करता सो so, uh, अच्छा ही हो गया मुझे लगता है उससे चलिए हम हमारे और आपके में एक समानता अभी तक की बातचीत में समझ में आ गई कि आप 99 में मुंबई आए और मैं 99 में इलाहाबाद से दिल्ली आया था अरे वाह ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें इसके अलावा राजगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि राग भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे